सो पहले सब फेस को मॉइस्चराइजर करेंगे, उसके बाद ओलिविया का पैन स्टिक लेंगे, मेरा शेड है 03, और इसे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद पाउडर लेंगे पोन्स का, आप कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और ये मेकअप किसी भी पार्टी फंक्शन में आप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आईब्रो सेट कर रही हूँ, देन मैं ब्राउन कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ और उसे अपने कट क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्राउन ग्लिटरी शेड ले रही हूँ और इसे अपने आईज़ के लिड एरिया पे अप्लाई कर लूँगी और आईज़ के कॉर्नर पे ब्लैक वी शेप बनाऊँगी आईज़ के आउटर कॉर्नर पे। बहुत इजी ये बन जाता है। देन ब्लैक कलर का आईलाइनर लूँगी जो कि ब्लू हेवन का है, 35 रुपीज़ में आ जाता है, तो एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। और इस तरीके का मेकअप लुक आप किसी भी पार्टी फंक्शन में क्रिएट करके जा सकते हैं, काफ़ी इजीली है। उसके बाद मस्करा यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद ब्लश करूँगी तो मैं आई शेडो पैलेट से ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ब्लू हेवन का काजल लूँगी, ब्लू हेवन का काजल काफ़ी अच्छा स्मच करता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। मैंने लिपस्टिक लगाया है और ब्राउनी शेड में, और अपने नोज़ को हाईलाइट कर लेंगे, देन फिनिश हो जाएगा। आज का मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चीक्स पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं शाम का डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ दाल तड़का और दाल तड़का बना रही हूँ, मूली की सब्जी बना रही हूँ और प्याज के पराठे, तीन चीज बना रही हूँ मैं। तो अभी एक पैकेट रिफाइंड जो है ना मैंने निकाला है, हॉल वीडियो सामान का भी आएगा लेकिन मुझे अभी तेल की जरूरत थी तो मैंने निकाल लिया हुआ है। कैची कहाँ पे है, दे दो मुझे कैची। और यहाँ पे बन रहा है मूली आलू और मेथी की सब्जी, और उधर बन रहा है चावल। तो मैं तो दाल के साथ चावल ही पसंद करती हूँ, बाकी इन लोगों के लिए बनाऊँगी पराठे, वो भी प्याज के। तो आज डिनर में ना बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बन रही है, और मैं लेकर आई हूँ गाजर का हलवा। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि मैं बनाने में ना, अच्छा ये तो गुलाब जामुन है, मैं एक बार दोनों दिखा देती हूँ, गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा। ये देखिए, ये है कैसे दिखाऊं, ये है गुलाब जामुन और ये है गाजर का हलवा जो कि हम बाहर से खरीद के लेकर आए थे। तो इसको हम खाएंगे खाने के साथ, ठीक है? गुलाब जामुन तो ट्राई करना बनता है। चलो खाना खाने बाद। तो गाइस मेरा दाल बन गया है और यहाँ पे मूली की सब्जी बन रही है, आलू मूली और मेथी की सब्जी बन रही है, उधर चावल बन रहा है। तो अब मैं रोटियाँ थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो ना ठंड में मुझे इस तरीके का जो सब्जी वगैरह ना बहुत पसंद आता है, मूली हो गई और भुजिया सब्जी हो गई, मटर हो गया, और खासकर पोहा। हाँ, खासकर पोहा। तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से 2 मिनट में।
तो घी ले जा रहे हो क्या तुम? कितने का है ये अलग घी दिखा रहे? कौन सा है ये? माता ये 425 रुपए। हाथ तो टाओ। अबे 310 का है। 310 का? एक मिनट को, हाँ फोकस नहीं कर रहा। 310 रुपए का ये रहा, भगवान का घी है। और अगरबत्ती, ये दो सामान निकाल के ले जा रहे हो ना तुम? ये 50 का है ना, दो सामान तुम निकाल के ले जा रहे हो। चलो बेटा निकालो सामान, मैं फटाफट ब्लॉग ही बना देती हूँ। मैं एक बार दिखा देती हूँ, इसमें है चीनी एंड आटा। 5 किलो का चीनी है ना, 5 किलो का चीनी और 5 किलो का आटा है। तो इसको इसी में रहने देते हैं, इसको नहीं निकालेंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। तो ये 5 किलो का आटा, 5 किलो का चीनी है। मैं बाकी चीजें आपको दिखा देती हूँ फटाफट। 5 किलो का चीनी तो मैंने निकाल ही दिया है, ये देखो। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, मैंने 2 रिफाइंड तेल मंगाया है, जिसको मैंने एक आपको दिखा दिया है। वो फटाफट सामान दिखा देती हूँ, नहीं तो मेरे घर में ना एक बड़ा गंदा सीन है, सारा सामान इधर उधर हो जाएगा, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को अपना सामान दिखा देती हूँ। तो मैंने 2 रिफाइंड का तेल लिया है और एक मैंने ओपन कर दिया है अभी खाना बनाने के लिए, तो सब्जी में यूज़ कर लिया है। और ये हो गया। और एक घी, देसी घी का, जो हम भगवान के लिए पूजा के लिए लेकर आते हैं, तो वो 310 रुपए का है भगवान का। और एक अगरबत्ती इन्होंने निकाल दिया है। सब वीडियो क्लिप शूट कर लिया, लेकिन बहुत लोग जज करते हैं ना कि झूठ बोलती होगी, ऐसे करती होगी, क्योंकि बोलने वालों का मुँह नहीं पकड़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है, हमने ये वाला टोस्ट लिया है जो कि 55 रुपीस का है, ये वाला टोस्ट है। और उसके बाद हम मैंने लिया है एक ये वाला बिस्किट, बिस्किट नहीं है, ये चाय का फैन है, 35 रुपीस का यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद मैंने ये 5 का कॉम्बो कुकीज लिया है, कोकोनट कुकीज है ये कॉम्बो है, ये 5 पीस का कॉम्बो है। तो जब मैं स्टोर जाती हूँ ना, तो मैं कॉम्बो में ही चीजें लेके आती हूँ, तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये मैंने एक बॉल लिया है, तो ये अगर आपको दिखा दूंगी ना, तो ये यहाँ से चला जाएगा और मुझे वीडियो बनाने देगा। तो एक इसका बॉल है। गाड़ी भी लाओ। हाँ गाड़ी भी लाऊंगा, मैं अपनी एक रिमोट वाली गाड़ी भी ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैंने ईपी का पैकेट लिया है, ठीक है, बॉल की वजह से ही बैठा था। उसके बाद मैंने लिया है एवरेस्ट का ये वाला मसाला, चिकन मसाला, और ये है 75 रुपीस का। यस 74 रुपीस का। कोई बात नहीं, तो वहां से ना ये वाली इसने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लिया है, जो कि 600 रुपए की है ना, 600 रुपए की ये वाली गाड़ी आई है। और एक छोटी गाड़ी लिया है जो कि 100 रुपए की, छोटी वाली गाड़ी भी लेकर आऊ। मैंने अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी ना, तो सारी चीजें इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए मैं फिर बाद में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो इसकी चीजें मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ से चला जाएगा। एक इसने बॉल लिया है उस स्टोर से, और काफी महंगा पड़ा, मुझे इतना पसंद नहीं आया। ये 600 रुपए की इसने कार लिया है जो कि रिमोट से चलती है। और एक इसने जो मुंह पे लगा रखा है मास्क, वो लिया है छोटी। और ये मेटल की कार लिया है इसने, जो कि 120 रुपए की है। ये छोटी सी मेटल की कार 120 रुपए की, यानी कि 120 रुपीज की। तो सोच सकते हो 600-700 और ये 50 रुपीज समथिंग का है। ये स्टोर का ही है, देख सकते हैं अभी तक लेबल लगा हुआ है, तो लेके जाओ अब। और ये किसने स्पाइडरमैन का मास्क लिया है। तो अब मैंने इसकी चीजें दिखा दी ना, तो अब ये यहाँ से चला जाएगा। चलो 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 चलो, होमवर्क करो ठीक है। अब तुम्हारा सामान दे दिया ना, अब नहीं करना डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बाद ये वाला साबुन का पैक लिया है मैंने, 4 का पैक लिया है, ये वाला सिंथॉल, ठीक है। 3 चॉकलेट लिए हैं मैंने, ये वाला फ्रूट्स का, ये वाला 3 चॉकलेट है। उसके बाद ये वाला एक कोकोनट का बिस्किट है, जो कि अलग से मैंने लिया है। और 2 सर्फ का पैकेट लिया है, ये वाला 2 सर्फ का पैकेट है। तो एक ये दंत कांति वाला मंजन लिया है, पतंजलि का ही यूज करते हैं हम लोग। और ये 100 समथिंग कितने का है पता नहीं। और ये वाला बिस्किट लिया है हमने, ये है 30 रुपीस का। ओरियो का ये वाला बिस्किट लिया है, क्रीम वाला 30 रुपीस का है, ठीक है। 2 गार्नियर का ब्लैक कलर लिया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा यहाँ साइड में मेरे बाल व्हाइट हो जाते हैं, तो मुझे मैं अभी इसको यूज करना शुरू किया है। बाकी इनके ही बाल ज्यादा व्हाइट होते हैं, यही यूज करते हैं, तो ये 2 है, ठीक है। और ये सूप लिया है, माउथ
मनचाऊ का ये वाला लिया है मैंने सूप, और एक ये वाला चाय पत्ती लिया है टाटा का। अभी पूजा हो रही है घर में। डार्क सोया सॉस लिया है ये वाला, और ये है 20 रुपीज़ का ये वाला सोया सॉस लिया है। और घर के खाने के लिए ये वाला देसी घी लिया है, ये है 270 का, 270 रुपये का है ये वाला देसी घी। और ये है चावल, 75 रुपीज़ केजी वाला चावल है ये, और हमारे घर में यही वाला चावल बनता है। अगेन 2 अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पेस्ट ना कॉम्बो वाला हमारे घर में ना पूरे महीने चल जाता है, ये इतना अच्छा पैक आता है ना। ये देखिए, ये दो मैं हमेशा दो ही लेकर आती हूँ, ये माचिस का जो है डब्बा। और एक मैंने पोहा लिया है, इसके साथ 2 टमाटर केचप फ्री है, क्योंकि ठंडिया आ गई है ना तो पोहे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एक ये पोहा है। और एक मैंने पास्ता लिया है ये वाला पैकेट, 20 रुपीज़ का है समथिंग। और एक ये धूपबत्ती है, ये पापा ये धूपबत्ती है, एक अगरबत्ती और 2 धूपबत्ती लिया था, और एक देसी घी पूजा का सामान लिया था, तो दे दो पापा ये लो। और उसके बाद हम यहाँ पे प्लम केक लेकर आए हैं, ये वाला प्लम केक है जो कि मुझे मुझे तो नहीं 199 का है, इनको बहुत पसंद है। तो ये जो 25 दिसंबर पे मिलता है ना प्लम केक, यहाँ पे ज़्यादा चलता है 25। तो खाना बना रहे हो तो खाना भी भाग भाग के। और अगेन ये वाला क्या है, तो 2 ये वाला लिया है, लस्सी है, फ्लेवर वाले लस्सी हैं 2। चावल तो मैंने दिखा दिया ना, मेयोनीज का पैकेट है। और ये मैंने लिया है 99 का, 1 2 3 4 5 6 पीस का रुमाल का सेट, तो 99 में 6 पीस रुमाल का सेट मिल गया, और क्या चाहिए। तो एक मैंने ये लिया है, ये देखिए 35 रुपीज़ का, ये किस काम के लिए लिया है आपको बाद में बताएंगे। तो चलो, तो शॉपिंग, और इसमें है चीनी एंड आटा, 5 किलो चीनी 5 किलो आटा। तो अभी के लिए इतना दिखा देती हूँ, मैं चल रही हूँ खाने की तैयारी करने, लेट हो जाऊँगी मैं बाहर। आज का जो खाना मैंने खाया है ना वो मेरे ना यहाँ पे अटक रखा है, ऐसा लग रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं, गले में अटक रखा है। तो चलो फटाफट खाना बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। सो गाइस, मैंने दाल तड़का और भुजिया सब्जी बनाई है, मिक्स है ये, और चावल, देन रोटियाँ, पराठे हैं प्याज के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।